तो दोस्तों भारतीय टीम ने क्या जबरदस्त जीत दर्ज की है। इस वाह से भरी हुई टीम जिसमें बहुत सारे दिग्गज नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा की क्या जबरदस्त कैप्टेंसी, और भारत ने इंग्लैंड को लगातार 3 टेस्ट मैच हराए हैं। और एक लंबे अंतराल के बाद इंग्लैंड किसी टीम से इतने 3 टेस्ट मैच हारे हैं जब से ब्रेंडन मैकुलम इस टीम के कोच बने हैं, बैटिंग कोच हैं। और बेन स्टोक्स की ये जोड़ी जबरदस्त पूरी दुनिया में फेमस रही है टेस्ट क्रिकेट की। जहां तक बात करें तो इस भारतीय टीम ने 3-1 से लीड बना ली है और 5वां टेस्ट मैच 7 मार्च से रांची में खेला जाएगा। लेकिन इससे अगर बात करें, कप्तान रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें निश्चित तौर पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित का इशारा किस तरफ जा रहा है। जो लगातार कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं मुंबई इंडियंस और कैप्टेंसी की चल रही थी, हार्दिक रोहित वर्सेस, ये सारा मैटर आपने आपको देखने को मिला। लेकिन इसके बाद आज ये टेस्ट मैच जीता है और रोहित एकदम अकेले थे जब ये टीम इंग्लैंड के सामने भिड़ रही थी। ना तो इसमें विराट कोहली थे और ना ही केएल राहुल, एक टेस्ट मैच खेलने के बाद वो भी बाहर हो गए थे। रविंद्र जडेजा भी एक टेस्ट मैच के लिए बाहर रहे थे, जसप्रीत बुमराह बाहर हैं। और ये टीम रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के लिए ये सीरीज याद की जाएगी, और जिस तरीके की कैप्टेंसी दिखाई है वो लाजवाब है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर जो चीजें निकल करके आई हैं, तो आपने जैसे यदि आपने रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा, तो सीधे तौर पर उन लोगों की ओर, उन क्रिकेटर्स की तरफ इशारा जा रहा है जो टेस्ट क्रिकेट को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है, आईपीएल दिखाई देता है। और रोहित ने सीधे तौर पर कहा है कि जो देश के लिए खेलना चाहते हैं वो जरूर मेहनत कर रहे हैं, और जो लड़के हैं वो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, वो खेलेंगे। जो क्रिकेटर जिनके लिए आईपीएल केवल महत्वपूर्ण है, हालांकि आईपीएल एक टफ टूर्नामेंट वो भी है और दुनिया भर में पॉपुलर है, लेकिन असली जो फॉर्मेट है क्रिकेट का वो टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट खेलना इतना आसान है भी नहीं है। जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा सक्सेस रहता है टेस्ट क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सीधे ईशान किशन हो, हार्दिक पांड्या हो, दीपक चहर हो, इन लोगों की तरफ इशारा जा रहा। श्रेयस अय्यर जो हालांकि खेले थे वो फ्लॉप रहे थे, इस वजह से उनको टीम से बाहर किया गया है। वो भी जाकर के डोमेस्टिक नहीं खेले हैं और सीधे आईपीएल की तैयारी में लग गए हैं। तो ये एक आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट का अगर कंपैरिजन करें तो फिर इतना ज्यादा सिमिलरिटी आप नहीं पाएंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक अलग तरीके का क्रिकेट है। यहाँ पर आपको फिटनेस पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, और यदि आप थोड़ा सा भी फ्लॉप होते हैं तो फिर टेस्ट क्रिकेट में आपको बार बार मौके नहीं मिलते हैं। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है, यदि आपने एक बार नाम बना लिया और आप रन भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप उस टीम के लिए खेल सकते हैं और लगातार आपको खेलने के मौके भी मिलते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है, फॉर्मेट है, यहाँ पर आप फ्लॉप हुए तो सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। तो ईशान किशन के सामने अब समस्या ये है, क्योंकि ध्रुव जुरेल है वो हिट हो गए हैं। ध्रुव जुरेल ने क्या बेहतरीन कीपिंग के साथ साथ बैटिंग भी की है, वो 90 रनों की पारी जिसकी बदौलत भारत जीता है, वरना 80 पर भारत के एक भी नहीं थे। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला चालू हुआ, 100 रन से पहले 5 विकेट भारत के निकल गए, फिर से ध्रुव जुरेल आकर के सामने अड़ गए और टीम को आखिरकार जीत ही दिलाई है। पहली पारी में देखें तो ध्रुव ने वहां पर भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 90 रन बनाए थे। थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहे कि उनका जो पहला टेस्ट शतक था वो नहीं आ पाया, आउट हो गए, लेकिन वो शतक से भी बड़ा था यदि आप देखें उस सिचुएशन में जहां पर बैटिंग की है। 400 से ऊपर का भारत ने टारगेट जो बनाया था स्कोर, तो आप देखें तो कीपिंग का जो मसला है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में। ऋषभ पंत का चोटिल हो जाना, और वैसे भी वो टीम से बाहर होने ही वाले थे, इसमें कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, क्योंकि उनका भी फॉर्म खराब चल रहा था, और संभवतः उनकी एक्सीडेंट भी ना होता तो आखिरी सीरीज उनका आखिरी टेस्ट मैच होता, इसके बाद युवाओं को ही लाना पड़ता, तो वो समस्या सॉल्व हो गई है। ध्रुव जुरेल की अगर बात करें, और नीचे अगर बैटिंग की बात करें तो जो बीवीएस लक्ष्मण का स्पॉट था वो सरफराज खान ने काफी हद तक भर दिया है। हालांकि अभी लंबा वक्त बाकी है, आगे जैसे जैसे खेलेंगे मैच्योर होते चले जाएंगे, और एक या दो इनिंग्स खराब होने से या एक दो इनिंग्स अच्छी होने से कोई साबित नहीं हो जाता कि वो अच्छा बैट्समैन है या फिर खराब बैट्समैन है। लेकिन सरफराज खान ने दिखाया है कि वो उनके अंदर टीम में खेलने की भूख है, रनों की भूख है, और जिस तरीके की फील्डिंग की है वो भी दिखाती है कि उनका समर्पण जो पूरी तरीके से क्रिकेट के लिए है। और ऊपर अगर आप चले जाएं बैटिंग के लिए तो यशस्वी जायसवाल तो वाकई में यार क्या बेहतरीन बैटिंग की है। इस तरीके का शायद जो टेस्ट डेब्यू है, इस तरीके का डेब्यू किसी का नहीं हुआ होगा कि इस सीरीज में लगातार रन किए हैं, दोहरा शतक दो दो उनके बल्ले से निकले हैं, तो वो वहां पर बेहतर रहे। रजत पाटीदार जरूर
उनके लिए अच्छा नहीं रहा और संभवतः अब आगे हो सकता है उन्हें मौका भी ना मिले। यदि राहुल आएंगे तो फिर जरूर वो बाहर चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की तारीफ करनी चाहिए। चारों तरफ चर्चा अभी हो रही है कि इस टीम के साथ जो ये टीम खेल रही है, जिसमें देखेंगे आप तो यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, रजत पाटीदार इस टीम में खेले हैं, सरफराज खान भी इस टीम में रहे हैं, ध्रुव जुरेल हैं, के एस भरत रहे हैं, इन प्लेयर्स के साथ जाकर के आपने इंग्लैंड की टीम को हराया है। आपने लगातार 3 टेस्ट मैच जीते हैं और सीरीज भी जीती है, तो बहुत बड़े दोस्तों इसके मायने हैं और इतना आसान है नहीं है। सोचना जरूर आसान है कि टेस्ट आप जीते हैं घर में खेल रहे, लेकिन आसान कतई नहीं था और भारतीय टीम ने जीती है ये सीरीज। तो रोहित शर्मा ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो भारत के इस वक्त नंबर एक कप्तान है, न सिर्फ टेस्ट में बल्कि हर सभी फॉर्मेट में उससे बेहतर अभी भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और खुद बतौर रोहित का जो प्रदर्शन रहा है वो भी ठीक ठाक रहा है, इस सीरीज में जरूर थोड़ा सा रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक रहा, एक शतक उनके बल्ले से भी निकला है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं थी उसके पास, मेंटली बहुत सारा प्रेशर था और इधर आईपीएल का मैटर चल रहा था, ईशान किशन, ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को दरकिनार किया और भारत की जो युवा टीम है उसको लेकर के आगे बढ़े और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि सीरीज को भी जीता है। तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इस जो टेस्ट सीरीज रही है इंग्लैंड के सामने, भारत और इंग्लैंड की ये जो सीरीज खेली जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा आपको किसने प्रभावित किया है, सिवाय यदि आप करें, मैं यशस्वी जायसवाल का आपको नाम इसमें मेंशन नहीं करना है, बाकी के प्लेयर बताएं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको किस प्लेयर में दिखा है, जिसने छोड़ा है और वो फ्यूचर के लिए लगातार बेहतर कर सकता है। कमेंट करिए दोस्तों।